नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हुस्नदोज डॉक्टर दीपक अडवाणी और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल होम्योपैथिक वाइंस में। जैसा कि आप सब लोग भलीभांति रूप से परिचित है कि मैं आप लोगों के लिए डिवाइडेड न्यू वीडियोस लॉन्च करता हूं रेगुलर बेसिस पर, तो आज इसी संदर्भ में एक बहुत ही ऑसम होम्योपैथिक मेडिसिन मैरिस्टिका सर्बिफेरा। हाँ जी, इस मेडिसिन के बारे में हो सकता है आप लोगों ने ज्यादा नहीं सुना हो, बस इसके यूजेज एंड बेनिफिट्स बहुत ही शानदार है और शॉर्ट एंड स्ट्रीट होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरी से जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। आपको अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं मायरिस्टिका सर्बिफेरा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा इसका कॉमन नेम होता है ब्राजीलियन क्यूबा। ये एक इम्पोर्टेड कल्टीवेटेड प्लांट है जो कि ब्राजील में कल्टीवेशन इसका होता है। होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कंपनियां इसका जो पूरा प्लांट होती हैं उसका उपयोग लेती हैं मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए। 3200 मदर टिंचर तीन प्रोटेंसीज में अवेलेबल होता है। मैं मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका ज्यादा मदर टिंचर यूज करता हूं, एक्सटर्नली इंटरनली दोनों तरह से इसका उपयोग किया जाता है और लोअर पोटेंसी भी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो आइए देर न करते हुए जल्दी से बता दूंगा आपको कि इसको कहां कहां पर यूज किया जाता है। मोस्ट पावरफुल एंटीसेप्टिक एंटी हीलिंग एजेंट के रूप में इसे जाना जाता है हमारे होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में। हिपरसल्फ और सलीशिया के बाद आने वाली मोस्ट पावरफुल एंटीसेप्टिक होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसका उपयोग किया जाता है किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन हो रहा हो स्किन पर, किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन स्किन पर, सेलुलर टिश्यूज और पेरियोस्टियम इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन से। मेरे कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले हम लोग जैसे फिंगर होती हैं, फिंगर टोज होते हैं, यहां पर स्वेलिंग हो जाए, स्वेलिंग के साथ में पेन हो जाए तो फेलेंजेस के अंदर, तो वहां पर उसको सुपुरेट करने के लिए, उस कंडीशन को सुखाने के लिए काम करती है मायरिस्टिका सर्बिफेरा। या फिर फिस्टुला हो रहा हो, फिशर हो रहा हो, किसी भी तरह का घाव हो रहा हो तो उसके उस सुपुरेट करने के लिए, उसको हील अप करने के लिए मायरिस्टिका सर्बिफेरा की 3200 पोटेंसी हम लोग सुबह शाम के डोजेस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। बाकी जो मदर टिंचर है उसका 10 से 12 बूंद एक चौथाई कप हम पानी में यूज करेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे स्पेसिफिक एक्शन ऑन द पैरानीटियम। पैरानीटियम पर भी इसका बहुत अच्छा उपयोग देखने को मिलता है। क्रैक्ड स्किन हो गई हो, रैग्ड हो रहे हो, कार्बंकल बॉयल्स के अंदर जहां भी सुपुरेशन स्वेलिंग की बात आ रही हो या इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन हो गया हो, घाव भर नहीं रहा हो, वहां पर मायरिस्टिका सर्बिफेरा का हम लोग उपयोग करते हैं। जिस तरह की हिपरसल्फ है, सलीशिया है, एचिनेशिया है, गन पाउडर है, उस लीक से काफी हटकर और उससे बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है मायरिस्टिका सर्बिफेरा। ये प्लांट किंगडम से रिलेटेड होने के कारण किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट इसका अभी तक देखा नहीं गया है और मैं रिकमेंड करूंगा कि इस होम्योपैथिक मेडिसिन को आप जब भी यूज करें तो अपने होम्योपैथिक फिजिशियन की गाइडेंस में करें। वैसे तो आप अपने होम रेमेडी के रूप में इसे रख सकते हैं और जैसे भी आपको एक्सटर्नली अप्लाई करना हो तो कॉटन में इसके मदर टिंचर को अच्छी तरह से 20-25 बूंद में भिगो लें और उसके बाद एक्सटर्नल अप्लाई करें। इंटरनली जैसे बताया, सूजन में मैंने बताया फिंगर्स की सूजन हो जाती है, वहां पर कार्बनकल हो गए, बॉयल हो गए, वहां पर इंटरनली हम लोग 230 पोटेंसी का उपयोग कर सकते हैं। तो याद रखिएगा मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट इफेक्टिव एंटीसेप्टिक एंड एंटी हीलिंग एजेंट है मायरिस्टिका सर्बिफेरा। इसे आप लोग यूज कर सकते हैं हिपरसलीशिया के साथ में। तो आशा करता हूं इस मेडिसिन के बारे में जो जानकारी दी मैंने आपको सब संतुष्ट होंगे। अगर इसके अलावा आपको ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ईमेल सेक्शन दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहां पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अगर कमेंट कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहेगा हमारे चैनल होम्योपैथिक वाइंस के साथ। जल्दी मैं मिलूंगा आप लोगों से, तब तक के लिए लाइक एंड शेयर करते रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।